तो दोस्तों नमस्कार, आज है 2024 का पहला दिन। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी इस साल अपने ड्रीम्स को अचीव करें, नई नई ऊंचाइयों पर जाएं। तो आज हम लोग का एक छोटा सा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। अविनाश ने मुझे बुलाया है, उसको कुछ सामान खरीदना है, इस वजह से तो मैं उसके फ्लैट पे जा रहा हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप का आज का दिन हम लोगों का रहता है। तो इस ब्लॉग को आपको अंत तक जरूर देखना है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अविनाश के फ्लैट पे। ये है अविनाश, ये भी पुलिस में ही काम करता है। ये क्या है अविनाश जी? चोखा है, आलू टमाटर, ये चटनी है धनिया पत्ता का। आपने बनाया है? बिल्कुल। ये बंगाली है लेकिन इसको बिहारी, भोजपुरी, राजस्थानी, असामी, गुजराती सब बनाना आता है। लड़कियों से भी अच्छा खाना बनाता है ये। मैंने सच में खाना बहुत अच्छा बनाया तुमने। ये सबसे अच्छी मेरे को पता क्या लगी इनमें से? ये चटनी। तो गाइस अभी हम लोग का खाना हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं चेयर फर्नीचर मार्केट। तो एक चेयर लेनी है। किस लिए चाहिए चेयर आपको? न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, बैठ के पढ़ना है। तो गाइस बैठ चुके हैं मोटरसाइकिल पे। ये देखिए जेसीबी की खुदाई हो रही है यहाँ पे। गाइस लग रहा है हम लोग गलत रास्ते पे आ गए। ये है गाइस पुणे का सबसे बड़ा मार्केट, चेयर की दुकान है। क्या तू कहते है? अच्छा ये है ना, चलेगा? सही है, तो नहीं नहीं सारी पूरा पिंपरी चेक करने आ रहे हैं। मेरा 30 साल से जूना दुकान है। इस पे बैठ के देखिए बिना। बहुत हो गया इसका लगवा ले। और क्या देंगे? चेयर मिली नहीं मिली आपको? चेयर ही नहीं मिली ना, क्या बताऊं महंगी मिल रही है अभी तक। गाइस आए लाल वाली फर्नीचर में। 35% ऑफ देना तो बनता। और ये मेरा चश्मा देख सकते हो, इसमें धूप के लिए भी है और इसको ऐसे लगा भी सकते हैं मैग्नेटिक। देख के बताते हैं आप। चेयर मिल गई आपको? चेयर नहीं मिली, खट्टा मिठाई। और पूनम फर्नीचर इस पे चलेंगे। खत्म होने में शाम लगेगी। ऐसे करेंगे ना तो पानी हो जाएगा। हाँ? फिर आउट है ना पूरा दो गिलास एक फटाफट। अविनाश की कुर्सी फाइनल हो चुकी है भाई। अंकल चल रहा हूँ 24 चार्ज देना। जूते देखते हैं अपन, जूते वूते देखने खाने जा रहे हो? खरीदने जा रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट। तो अविनाश कैसा लग रहा है कुछ चेयर पे बैठ के बताओ? सुकून लग रहा है चक्के वाली कुर्सी पे बैठे। और अब यूपीएससी की पढ़ाई शुरू होगी ना? अब तैयारी शुरू हो जाएगी।